अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं सर साद आपको वेलकम करता हूँ साद बशीर एकेडमी के वीडियो लेक्चर्स में। अच्छा, मेरे कुछ वीडियो लेक्चर्स पहले से मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर, आप पहले जाएं और वो अकाउंटिंग के लास्ट स्पेशली दो लेक्चर्स ज़रूर देखें, उनसे आपको कुछ चीज़ों को एक क्लैरिफिकेशन मिलेगी। अच्छा, मैं थोड़ा सा जो है ना वो उसके अंदर हालांकि जनरल लेजर्स का बना हुआ है पोर्शन, लेकिन कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन थी तो उसकी क्लैरिटी के लिए मैंने सोचा कि चलो ये लेक्चर के अंदर मैं फिजिकली को समझाऊँ कि किस तरीके से हम उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। देखिए, उस लेक्चर में एक चीज़ मैंने मेंशन की है कि आपके पास पांच नेचर ऑफ अकाउंट्स हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू। अब जब भी मेरे पास कोई भी एक ट्रांजैक्शन आएगी, मुझे ये इंश्योर करना है कि इन ट्रांजैक्शंस में से मैं डबल एंट्री जनरेट करूं और वो डबल एंट्री इन पांच में से किसी एक नेचर ऑफ अकाउंट पे हिट करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पास फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल के तौर पे ट्रांजैक्शन लेता हूं कि अब्दुल रहमान इन्वेस्टेड $5,000 इन द बिजनेस। ठीक है। अब जब मैं ये सुनता हूँ या मैं देखता हूँ या मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट आता है तो मैं क्या करूँगा, मैं जो अलग करूंगा मेरे मतलब की चीज है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और उसके बाद $5,000 मैं अभी अज्यूम कर लेता हूँ कैश है। ठीक है। अब इस ट्रांजैक्शन में से मुझे दो चीजें निकालनी है, एक है कैश और एक है इन्वेस्टमेंट। ठीक है। इन्वेस्टमेंट मेरा बना कैपिटल का पार्ट और कैश मेरा बना असेट का पार्ट। अब इन्वेस्टमेंट जब इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट होगी, एसेट जब इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा। मेरी बहुत आसान एंट्री पास हो गई, कैश डेबिट 5,000, कैपिटल क्रेडिट 5,000 और नरेशन के अंदर मैं लिखूंगा टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ $5,000 बाय कैश। यहां पर आके मेरी एक एंट्री कंप्लीट हो गई। अच्छा, अब इसी तरीके से मुझे दूसरी एंट्री लेनी है तो मैं इसको पहले मिटा देता हूं थोड़ा सा। अब जब जब मेरे पास एक सिंगल ट्रांजैक्शन आएगी मैं उसका डबल इफेक्ट देखूंगा। मैं पेन चेंज कर लेता हूं जी। अब मेरी सेकेंड एंट्री है बॉट फर्नीचर $1,500। ठीक है। अब ये कैश ही कंज्यूम करते हुए चलते हैं अभी के लिए। ठीक है। अच्छा, अब इस एक ट्रांजैक्शन से फिर मुझे डबल इफेक्ट निकालना है, एक हुआ फर्नीचर एक हुआ कैश। अच्छा, अब फर्नीचर आ रहा है इसका मतलब एसेट इंक्रीज हो रहा है फर्नीचर की सूरत में, और दूसरा एसेट कैश डिक्रीज हो रहा है, तो मेरे पास एसेट ही डेबिट है और एसेट ही क्रेडिट है, लेकिन जो डेबिट है वो फर्नीचर है और जो क्रेडिट है वो कैश है। तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा, फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट 1500 से, और मेरी नरेशन बनेगी टू रिकॉर्ड परचेज फर्नीचर ऑन कैश, सिंपल एज दैट। देखिए, नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नरेशन को बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर करें आप। नरेशन जितनी अच्छी लिख सकते हैं लिख दें, शॉर्ट होने में भी कोई मसला नहीं है, आपका मकसद पूरा होना चाहिए, बात समझ आनी चाहिए कि ट्रांजैक्शन को वो जस्टिफाई कर रही हो, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अभी मैं फॉर्मेट वगैरह कुछ भी नहीं बना रहा, फॉर्मेट अगर मैं बनाने जाऊं यहां पे डेट आ जाती है, एक लाइन पर्टिकुलर्स, एक और लाइन पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट क्रेडिट। ठीक है। पोस्टिंग रेफरेंस का मतलब होता है डॉक्यूमेंट नंबर या ट्रांजैक्शन नंबर, डेट जिस डेट पर ये ट्रांजैक्शन अकर हुई है। तो इस तरीके से अगर मुझे कभी आगे जाके फ्यूचर में ये ट्रांजैक्शन को सर्च करना पड़े, मैं थ्रू पोस्टिंग रेफरेंस इजीली सर्च कर सकता हूं। मकसद ये होता है पोस्टिंग रेफरेंस डालने का। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। अगर मैं एक और एंट्री इसके अंदर पास करूं, इसको भी मिटाते हैं,
acquired bank loan of $1,000. Acquired bank loan of $1,000. ठीक है, ये भी यकीनन बैंक में पैसे आए होंगे या कैश में आए होंगे। अब फिर से इस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट डबल इफेक्ट, बैंक लोन, बैंक, ये है मेरा एसेट, ये है मेरी लायबिलिटी। एसेट इंक्रीज हुआ, लायबिलिटी इंक्रीज हुई। एसेट इंक्रीज हुआ, डेबिट। लायबिलिटी इंक्रीज हुई, क्रेडिट। इसको आपको घोल के पी लेना है। जब आपके पास, आप वो वीडियो देखेंगे मेरी, उसमें आपके पास ये मैप बना गया होगा, इस मैप को घोल के पी लेना। सबसे आसान, जिंदगी आसान, अकाउंटिंग आसान। अगर आपने ये काम कर लिया बहुत आसानी से, आपके लिए अकाउंटिंग 50-60% आसान हो जाती है। ठीक है, अब वही एंट्री, एंट्री क्या करनी है भाई, आपके पास पैसा आया है तो बैंक डेबिट हो गया या कैश डेबिट हो गया $1,000 से। ठीक है, आपके पास बैंक लोन क्रेडिट हो गया $1,000 से। नरेशन, टू रिकॉर्ड रिसीव्ड बैंक लोन ऑफ $1,000 इन बैंक या कैश व्हाट सो एवर इट इज। ठीक है, फॉर्मेट मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब हर ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट इजीली आप जो है वो इन नेचर ऑफ अकाउंट को सर्च करें, और सर्च करने के बाद अकॉर्डिंगली इसको प्लेस कर दें। बस यही काम है हमारा। जो ट्रांजैक्शन आती जाएगी हम इस पांच में से चेक करेंगे, इंक्रीज है, डिक्रीज है। अगर इंक्रीज है तो उसका इफेक्ट डेबिट है या क्रेडिट है। हर ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट डबल इफेक्ट, और हर एक ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट इंक्रीज या डिक्रीज। बस सिंपल, और एंट्री पास करते जाओ। इससे ज्यादा जनरल, जर्नल या लेजर के अंदर कुछ भी नहीं होता। अच्छा, अगर मैं इसी को अगली ट्रांजैक्शंस जो है वो मैं टी अकाउंट्स की सूरत में लेके जाऊंगा। ठीक है, टी अकाउंट्स में, टी अकाउंट्स को हम टी लेजर भी कहते हैं, लेजर भी कहते हैं, लेजर अकाउंटिंग भी कहते हैं। सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये जो हमारा जनरल जर्नल होता है इसको हम बैलेंस नहीं करते, जबकि हमारे टी अकाउंट्स बैलेंस होने चाहिए। ठीक है, अच्छा अब मैं अगली एंट्री टी अकाउंट के थ्रू करूंगा, और फिर उसके बाद उसकी बैलेंसिंग किस तरीके से होती है वो भी मैं आपको थोड़ी सी डिफाइन कर दूंगा। अच्छा, अब देखें, मैं अगली एंट्री ये ले रहा हूं कि परचेस्ड इक्विपमेंट वर्थ $2,000 कैश। एक और एंट्री, मेड परचेजेस ऑफ 1500 ऑन अकाउंट। एक और एंट्री, मेड सेल्स ऑफ 3000 ऑन कैश। अब ये जो मैंने तीनों एंट्रीज लिखी हैं, हर एंट्री का मैं सिर्फ इंक्रीज, डिक्रीज और इफेक्ट बताऊंगा। जनरल जर्नल के अंदर आप खुद लेके जाएंगे, हम टी अकाउंट बना लेंगे। अच्छा, सबसे पहला परचेज इक्विपमेंट वर्थ $2,000 कैश। दो चीजें हुई, इक्विपमेंट, कैश। एसेट इंक्रीज, एसेट डिक्रीज। इक्विपमेंट आएगा डेबिट, कैश आएगा क्रेडिट। दूसरी एंट्री, मेड परचेजेस ऑफ $1,500 ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब है उधार पर, ऑन क्रेडिट, ऑन अकाउंट, दोनों को सिंगल वो समझे आप, एक ही बात है, उधार की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब है ये उधार है तो इसका मतलब लायबिलिटी, तो इस केस में लायबिलिटी इंक्रीज हुई। ठीक है, और आपके पास सामान आया। अच्छा, जो न्यू प्रोसीजर है, जो नई अकाउंटिंग है, जो फॉर्मल अकाउंटिंग है, उसके अंदर इसको हम एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट करते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं इसको चले एसेट के तौर पे ट्रीट कर लेता हूं। बोथ वेज में एक्सपेंस हो चाहे एसेट हो, इंक्रीज होगा डेबिट ही होगा। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा कि भाई मेरी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, मेरा एसेट भी इंक्रीज हो रहा है। एसेट इंक्रीज हो रहा है, फिर पेन बदलते हैं, एसेट इंक्रीज हो रहा है, डेबिट, कैश।
लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट, ठीक है। मेरी एंट्री पास हो गई, बैलेंस एंट्री, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये दो वर्ड बोलो, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है बेटा। अच्छा भाई, इसके बाद मेड सेल ऑफ $3,000 ऑन कैश। अच्छा, अब सेल है आपका रेवेन्यू 500 वाला, ठीक है। जब सेल और कैश की बात कर रहे हैं तो रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट कैश, यहां पे रेवेन्यू हो रहा है इंक्रीज तो क्रेडिट सेल्स। हर एक के लिए नरेशन अलग अलग लिखी जाएगी। पहले की नरेशन, परचेज इक्विपमेंट ऑन कैश वर्थ 2000, मेड परचेजेस ऑन अकाउंट कितने की है 1500, मेड सेल्स ऑन कैश 3000, इन तीनों की नरेशन साथ साथ लिखते जाएं। टू रिकॉर्ड लिखना जरूरी है नरेशन के साथ, ब्रैकेट के अंदर डाल के, ठीक है। अच्छा, अब इसके फौरन बाद मैं आपको टी अकाउंट एक बना के बता रहा हूं, ताकि आगे के अकाउंट्स आप खुद बनाएं और खुद बैलेंस करें। अच्छा, अब मैं यहां से याददाश्त का गेम खेलने वाला हूं, मेरी भी याददाश्त, आपकी भी याददाश्त, खुद भी ट्राई करो, अपनी अपनी याददाश्त को खुद टेस्ट करो। मैं बना रहा हूं टी अकाउंट कैश का, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहां पे डेट आ जाएगी, किसके अगेंस्ट ये कैश डेबिट हुआ, यानी क्रेडिट हुआ आपका कैपिटल, तो यहां पे मैं लिखूंगा कैपिटल और पैसे कितने आए 5000। दूसरी एंट्री में आपके पास, आपने फर्नीचर को डेबिट किया था, कैश को क्रेडिट किया था 2000। इसके बाद तीसरी एंट्री में आपने इक्विपमेंट खरीदा था, आई थिंक फर्नीचर 1500 का था, इक्विपमेंट 2000 का था। फिर उसके बाद आपके पास लोन आया था, तो लोन क्रेडिट हुआ था, कैश डेबिट हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपने ऑन अकाउंट परचेजेस की थी, इसलिए परचेजेस नहीं आएंगी, उसका ये इससे कोई मतलब इम्पैक्ट नहीं है। सेल्स ऑन कैश हुई थी 3000 की, तो सेल्स ऑन कैश हुई थी आपके पास 5वां। अच्छा, अब इसको आप मैच कर लो, 3 और 1 4, 4 5 9। यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमेशा ज्यादा वाला होगा, इन दोनों में ज्यादा कौन सा है, मैंने ये गिना, ये 9000 है, ये 3500 है, तो मैं 9000 से बैलेंस करूंगा, ठीक है। अब जो डिफरेंस है, यानी 9000 में से 3500, यानी 6500 जो मेरा बैलेंसिंग फिगर है, मैं वो यहां पे लिख लूंगा बैलेंस कैरी डाउन करके, ठीक है। बैलेंस कैरी डाउन 6500, बैलेंस ब्रॉट डाउन 6500। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे हाथ में 6500 कैश मौजूद है, ठीक है। ये इसको कहते हैं आपके लेजर को बैलेंस करना। यहां तक मेरी वीडियो अभी नहीं गई थी, पिछली वाली। अब अकॉर्डिंग टू दिस, आपको मेरी पिछली वीडियोस के अंदर हर अकाउंट को मैच करना है, आपका ये होमवर्क बन जाता है। तो अब चलो फटाफट लग जाओ काम पे। अल्लाह हाफिज़ बेटा।